खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र की सीमा महाराष्ट्र से लगी होने से लॉकडाउन के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र पवार और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राजाराम आवासिया, थाना प्रभारी वरुण तिवारी, डीएसपी सौरभ तोमर और पुलिस स्टाफ के साथ क्षेत्र की सीमाओं का निरीक्षण किया। गांव के चेकिंग पॉइंटों का भी निरीक्षण कर पुलिस स्टाफ को उचित निर्देश दिए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज भगवानपुरा थाना क्षेत्र की किन किन सीमाओं का निरीक्षण किया गया आपके द्वारा? मेरे द्वारा जो हमारा पुलिस सब डिवीज़न है भिकनगांव, उसके अंतर्गत थाना बिस्टान और थाना भगवानपुरा क्षेत्र का भ्रमण भी किया गया और कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के जो अभी हमारे द्वारा उसके प्रिवेंशन की तैयारी की गई है, लॉकडाउन का जो निर्देश आदेश मिले हैं उसके पालन को सुनिश्चित करने के लिए, उसको चेक करने के लिए इस क्षेत्र के कस्बों और ग्रामों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान पूरी तरह से लॉकडाउन होना पाया गया। कृषकों को हमारे यहाँ राज्य शासन द्वारा भी छूट प्रदान की गई है, क्योंकि कृषि उत्पाद अभी वर्तमान में खेतों में है, उसकी कटाई चल रही है। इसके अलावा पूरी तरह से मार्केट बंद है। मेरे द्वारा थाना भगवानपुरा क्षेत्र के धुलकोट, काबरी और काबरी के आगे जो हमारे खरगोन जिले की सीमा है वहाँ तक भ्रमण किया गया और कोरोना वायरस के जो संक्रमण को रोकने के लिए जो मुहिम है उसके अंतर्गत हमारे द्वारा जो है पूरा चेक किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा थाना क्षेत्र के लॉकडाउन के चलते शुक्रवार को ग्राम बमनाला में पुलिस गश्त के चलते मुखबिर द्वारा चौकी प्रभारी रमेश पवार को सूचना मिली कि ग्राम सतवाड़ा में गिरधारी जायसवाल ने अपने घर में भारी मात्रा में अवैध देसी विदेशी शराब छुपा रखी है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, SDOP राजाराम अवस्थी भिकनगांव को सूचना से अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना भिकनगांव थाना प्रभारी जी संतोष सिसोदिया ने टीम गठित की। टीम के साथ ग्राम सतवाड़ा में दबिश दी, जहां आरोपी गिरधर जायसवाल ने टाट के बोरे में रखी अंग्रेजी शराब बॉम्बे स्पेशल विस्की की सफ़ेद रंग की पेटी में कुल 8 पेटी 180 ml के कुल 400 क्वार्टर देसी प्लेन मदिरा शराब की 10 पेटी, प्रत्येक पेटी के नग 50, कुल 500 नग पकड़े गए। गिरधारी पिता सुंदरलाल जायसवाल उम्र 54 वर्ष की निवासी सतवाड़ा, आरोपी के पास से शराब बेचने का वैध लाइसेंस भी नहीं मिला है। आरोपी पर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध क्रमांक 130/20, धारा 34(2) आबकारी एक्ट में अपराध कायम कर विवेचना में लिया है। उक्त तो आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक मीटिंग रखी गई थी लॉकडाउन के संबंध में व्यापारी और सब्जी बेचने वालों की, वहाँ पर SDM साहब की उपस्थिति में मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद हम कस्बा भ्रमण कर रहे थे और लोगों को समझा रहे थे, उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना हमारे ASI पवार साहब को मिली और वहाँ से हमरा बल के ग्राम सतवाड़ा पहुँचे और सतवाड़ा में गिरधारी पिता सुंदरलाल जायसवाल उनके यहाँ घर पर साइड में उन्होंने घर के आड़ में टाट के अंदर छुपा के शराब रखी थी, तो जिसको बिना लाइसेंस होने से विधिवत उसको जब्त किया था। तो उसको सर कितनी पेटी माल जब्त किया और कितने लोगों को गिरफ्तार किया और किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया? ये गिरधारी को ही गिरफ्तार किया गया है और उनसे करीब 29 पेटी शराब जब्त की गई, जिसमें बियर की पेटी है और सफ़ेद क्वार्टर है और बॉम्बे है और MD की पेटी है और उसमें 34(2) के तहत उसकी कार्रवाई की। सर इसकी लागत, इसकी अनुमानित कीमत करीब 93,400। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।